आज मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसी बेस्ट होम रेमेडीज जिससे आप आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को तेजी से कंट्रोल कर पाएंगे। आपके पहले के रिपोर्ट और ए ट्रिक यानी ए होम रेमेडी अगर आप फॉलो करते हैं, उसके बाद के रिपोर्ट आप कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको काफी फर्क पड़ेगा। और ये इतना आसान है कि आप सिर्फ घर की चीजों से ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हार्दिक मांडलिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत ही आम हो चुका है और आज मैं आपको जो पांच टिप्स बताने वाला हूँ, मतलब कि पांच होम रेमेडीज जो है वो अगर आप फॉलो करते हैं, उसको आपके डाइट में उसे शामिल करते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से कंट्रोल में हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, घर पे रह के कर सकते हैं। ऐसी ही ये सारी होम रेमेडीज है। नंबर वन पे आता है, सुबह आपको तज यानी सिनेमोन का पाउडर लेना है एक टीस्पून। इसमें हमें ऐड करना है आधे चम्मच जिंजर का रस यानी अदरक का रस, और इसमें दो चम्मच प्योर शहद ऐड करना है। अब इस मिक्सचर को आप नाश्ता करते टाइम अच्छे से मिक्स करके चाट लीजिए। ये बेहतरीन होम रेमेडी है कोलेस्ट्रॉल के लिए। नंबर दो पे आता है लौकी। लौकी का आप सूप बना सकते हैं या लौकी का जूस बना के भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर आप अगर सूप पीना चाहें तो दोपहर को लंच लेने से पहले इस सूप का जरूर प्रयोग करें, और अगर आप कच्ची लौकी का जूस बनाते हैं तो आप नाश्ता करने के बाद और दोपहर के लंच के दोनों के बीच में, या फिर नाश्ता करने के बाद मॉर्निंग में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लौकी जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। नसों में जो जमाव रहता है उसको क्लियर करती है, ब्लॉकेज रिमूव करती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करती है। नंबर तीन पे आता है लहसुन। जी हाँ, दो लहसुन की कच्ची कलियों को लेके उसके थोड़े टुकड़े कर लीजिए और उसको ऐसे ही आप निगल लें और उसके ऊपर पानी पी लें, क्योंकि लहसुन का जो टेस्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए मैं आपको निगलने के लिए एडवाइस करता हूँ। लहसुन जो है वो कोलेस्ट्रॉल की बेहतरीन दवाई है। और साथ में चार नंबर पे आता है अदरक। अदरक का प्रयोग भी आपको आपके डाइट में शामिल करना है। लंच में, डिनर में जो हम सब्जी बनाते हैं, जो हमारी दालें बनती है, उसमें आप ये लहसुन और अदरक दोनों का प्रयोग ज़्यादा करें तो एक ये मेडिसिन ही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप तेजी से कंट्रोल कर पाएंगे। और नंबर पाँच पे आता है अलसी यानी फ्लैक्स सीड। जी हाँ, अब ये जो है इसे हमें माउथ फ्रेशनर के तौर पे लेना है। जो मुखवास खाते हैं खाने के बाद, तो अलसी का मुखवास हर रोज आप दिन में दो बार लीजिए, दोपहर को लंच करने के बाद और रात को डिनर के बाद। हाँ, मगर ख्याल रखें, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो बाजार में जो तैयार इसका मुखवास मिलता है वो अलसी में क्या रहता है कि वो फ्लैक्सीड जो रहते हैं वो सॉल्टेड रहते हैं, तो इसका प्रयोग उन्हें नहीं करना है। तो आज मैंने जो ये पांच टिप्स आपको बताए, ये पांचों टिप्स को आप जरूर डेली शेड्यूल में इसे फॉलो करें। सुबह आपको शहद वाला प्रिपरेशन लेना है, दोपहर को आपको लौकी का सूप पीना है, और दोपहर और रात को अदरक और लहसुन का प्रयोग ज़्यादा करना है, और खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में आपको फ्लैक्सीड लेने हैं। बहुत ही आसान है, आप देखेंगे आपके पहले के रिपोर्ट और ए ट्रिक यानी ए होम रेमेडी अगर आप फॉलो करते हैं, उसके बाद के रिपोर्ट आप कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा।
इसे आप जरूर फॉलो करें और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे।